बच्चों को मेरा नमस्कार। एमके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए बच्चों, वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 के अंतर्गत आज हम प्रोजेक्ट कार्य पे वीडियो पे कार्य करने वाले हैं। कक्षा सातवीं का यह प्रोजेक्ट कार्य विषय विज्ञान दिया गया है। बच्चे यहाँ पे अपना नाम, पिता का नाम, कक्षा का नाम और शाला का नाम फिलअप करेंगे। पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेगा। बच्चों 40 अंकों के यहाँ से आपको अंक प्राप्त होंगे। 60 अंकों का आपका लिखित का पेपर होगा। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, आइए पढ़ते हैं। सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य एक ही बुकलेट में है। प्रोजेक्ट कार्य को घर के आसपास परिवेश में उपलब्ध संसाधन सामग्री द्वारा व निष्कर्ष निकालकर अपने अनुभवों को वर्कशीट में दिए गए बिंदुओं में दिए स्थान पर लिखा जाए। प्रोजेक्ट वर्क को पूर्ण करने में आवश्यकता अनुसार अपने माता पिता, मित्र, भाई बहन, दादा दादी आदि संबंधियों से भी चर्चा की जा सकती है। प्रोजेक्ट कार्य द्वारा कार्य बच्चे द्वारा पूर्ण कर कक्षा शिक्षक के पास जमा कराना भी होगा। अब हम देखेंगे यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें तो प्रश्न को पढ़कर निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। अपने माता पिता अभिभावकों की सहायता से जल के बारे में जानकारी एकत्र करना। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, जल चक्र प्रक्रमों का चित्र बना हुआ है। पर्वत में से नदी बह रही है, इसके बाद यहाँ पे नदी का जो सूर्य के प्रकाश के कारण जो नदी का जल है वाष्प बन के बादल में आ रहा है, फिर संघनन की क्रिया हो रही है, फिर बादल का जो पानी है वो वर्षा के रूप में धरातल पे गिर रहा है या पर्वतों पे गिर रहा है। तो इस तरह हम जल प्रक्रम को समझ सकते हैं। इस तरह का चित्र आप जरूर बना लीजिए। अब आप देखेंगे, क्या हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने में भूमजल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर है, भूमि के नीचे से जल निकाले गए भूमि की पुनः पूर्ति प्रायः वर्षा जल के अवस्त्रवण रिसाव द्वारा हो जाती है। भूमजल स्तर तब तक प्रभावित नहीं होता जब तक कि हम केवल उतना ही जल निकालते हैं जितना कि प्रकृति प्रक्रमों द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है। अगला प्रश्न है, भूमजल स्तर की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? तो भूमजल स्तर की पुनः पूर्ति वर्षा जल के द्वारा की जाती है। वर्षा के रूप में गिरने वाला अधिकांश जल नदियों तथा झरनों के द्वारा समुद्र में पुनः पहुँच जाता है। अगला प्रश्न है, जल की बचत को दर्शाने हेतु एक ड्राइंग चित्र बनाइए। तो बच्चों आप इस तरह के ड्राइंग चित्र बना सकते हैं। जल है तो कल है और यहाँ दिया है पानी की बचत, तो आप इस तरह का चित्र जरूर बना लीजिए। यहाँ पे एक पृथ्वी टाइप का चित्र बना हुआ है और उसके अंदर हमने समुंदर नदी को दर्शाया है और इस तरह से हम वर्षा के पानी को या सेव कर सकते हैं और बचत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अपने दादा दादी से पूछकर लिखिए कि वे अपने समय में किन किन जल स्रोतों से पानी पीते थे, क्या आज उन समस्त जल स्रोतों का पानी पीने योग्य है या नहीं, अपने शब्दों में लिखिए। तो दादा दादी ने बताया कि वे कुआं, नदी, बावड़ी, हैंडपंप का पानी पीते थे। आज उन स्रोतों में सिर्फ नदी का पानी पीने योग्य नहीं है क्योंकि नदियों में अब गंदगी रहने लगी है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, आप व आपके द्वारा कुल विद्युत ऊर्जा खपत की गणना कीजिए। आपके घर में आए प्रतिमाह बिजली बिल एकत्र कर अपने माता पिता या अभिभावकों की सहायता से निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। जनवरी में कितने यूनिट? 30 यूनिट और रुपए कितने लगे? बिल की कुल राशि 150 रुपए। फरवरी में 30 यूनिट, 150 रुपए कुल राशि लगी। मार्च में 25 यूनिट जली तो 125 रुपए बिल आया। फिर अप्रैल में 45 यूनिट जली तो 255 रुपए का बिल आया। इसी प्रकार मई में 50 यूनिट का 300 रुपये बिल आया। जून में 55 यूनिट का 350 रुपये बिल आया। जुलाई में 45 यूनिट का 255 रुपये बिल आया। अगस्त में 40 यूनिट का 200 रुपये बिल आया। सितंबर में 40 यूनिट का 150 रुपये बिल आया। नवंबर में 30 यूनिट का 150 रुपये बिल आया और दिसंबर में 35 यूनिट का 165 रुपये बिल आया। अब हम देखेंगे बच्चों, इसके अंतर्गत जो प्रश्न बन रहे हैं, आपके व परिवार के द्वारा एक वर्ष में कुल कितनी यूनिट बिजली का उपयोग किया गया? तो इसे हम जोड़ देंगे बच्चों, आप देख सकते हैं। तो इसे जोड़ने पे हमें प्राप्त हो जाएगी, हमने लिखा है हमारे परिवार में एक वर्ष में कुल 465 यूनिट बिजली का उपयोग किया गया। अगला प्रश्न है, किन किन माह में आपके घर में बिजली के बिल की राशि कम आने का क्या कारण हो सकता है? तो हम यहाँ देख रहे हैं राशि कम आने का कारण, जनवरी में 150 रुपये, फिर 150 रुपये, मार्च में 125 रुपये। इसी प्रकार अगर हम अक्टूबर में देखेंगे 150 रुपये और 150 रुपये नवंबर में आया। तो हमने लिखा है उत्तर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्टूबर, नवंबर में बिजली के बिल की राशि कम आई क्योंकि इन माह में हमने पंखा कूलर नहीं चलाया था ठंड के कारण। अगला प्रश्न है, आपके घर में विद्युत उपकरणों को संचालित करने के लिए क्या आप अन्य ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं? तो उत्तर है, हमारे घर में विद्युत उपकरणों को संचालित करने में के लिए हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करने के उपायों की सूची बनाइए। तो उत्तर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करने में हमें सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। दूसरा है, सूर्य के प्रकाश का उपयोग खिड़कियां खोलकर करना चाहिए, जिससे विद्युत बल्ब नहीं जलेंगे तो विद्युत बचेगी, और साधारण बल्ब की जगह CFL बल्ब का उपयोग करना चाहिए। तो इस तरह बच्चे, आप वीडियो को रोक के या पुश करके आप इनके प्रश्न उत्तरों को लिख लीजिए। पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।